हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2 स्टडीज चैनल. आई एम विजेंद्र एंड थोड़ा सा मैं मेरे बारे में आपको लोगों को बताऊंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले. और जो एजेंडा अपना रहेगा इस छोटे से सेशन में वो रहेगा कि मैं आपको एक कंसेप्ट आपको पूरा पढ़ाऊंगा. और वो कंसेप्ट पढ़ाने के साथ साथ कई बार क्या होता है, हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा और उसको पूरा नहीं सीख पाते हैं. तो आई टीच यू ए कम्प्लीट कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश. और मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ SSC के लिए, बैंक के लिए भी, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ उसमें. एंड आई हैव वर्क विद वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो इंग्लिश वाले में. आज का मैं आप लोगों को एजेंडा जो है वो बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. और आप लोगों को जो पूरी डिटेल है, पूरा स्ट्रक्चर वाइज, स्टेप वाइज है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. तो देखिए कि जो टॉपिक अपना रहेगा इंग्लिश में वो रहेगा कि यूज टू का जो यूज़ होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो ये यूज टू का जो यूज़ होगा ये हम लोग देखेंगे. अब यूज टू के जो यूज़ होते हैं वो 3-4 तरीके से होता है. तो हम लोग मैं आपको यहाँ पे तीनों चारों जो तरीके होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे बताऊँगा. तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज टू का. जब यूज करते हैं तो एक अपने पास होता है बी यूज टू, और दूसरे नंबर पे अपने पास आता है कि अकेला यूज टू, और तीसरा जो यूज होता है इसका कि गेट यूज टू. अब देखो कोई भी सेंटेंस में जब हम इनका यूज करते हैं तो अपने पास आ गया गेट यूज टू, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बिकम यूज टू. तो बिकम यूज टू. और चौथा नंबर हो जाएगा कि यूज का जो इस्तेमाल है एज ए मैन वर्ब जब होता है, इस्तेमाल करना, इसका मीनिंग हम लोग हिंदी में कहते हैं कि इस्तेमाल करना. तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस्तेमाल करना. तो ये चार जो टॉपिक, चार जो बातें हैं यूज टू को लेके, मैं आपको सारी एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा. और आप अगर इसको अच्छे से समझते हैं तो यहीं पे सीखना भी यहीं पे हो जाएगा. आप लोग देखो कि इंग्लिश जो एज ए सब्जेक्ट होता है इसमें सेल्फ स्टडी का जो पार्ट होता है वो इतना मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता जितना बाकी टॉपिक्स में होता है. जैसे GS में आप सेल्फ स्टडी करते हो, मैथ्स में आप सेल्फ स्टडी करते हो, लेकिन इंग्लिश में एक टीचर को आपकी कॉन्स्टेंटली आपको ज़रूरत होती है. और क्या होता है कि जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं वो आप सेम टाइम आप उसको सीख भी सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें. ज़रूरी क्या है कि पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना. तो मैं आपको चारों बातें एक एक करके यहाँ पर बता रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो देखो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि बी यूज टू होता है. तो देखो बी यूज टू का जो यूज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. सबसे पहले तो आप यहाँ पे बी का यूज़ देख लीजिए कि बी क्या होगा. तो बी हम लोग कहेंगे कि बी का मतलब होता है इज एम आर या वाजबर. तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि बी का जो मतलब होता है इज एम आर या वाजबर. और जो अपना रूल अपने को देखना है वहाँ पे, वो ये रूल क्या होगा कि जब भी बी यूज टू आएगा, बी यूज टू का जब भी यूज होगा तो हम लोग उसके बाद ING फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना, ING फॉर्म का यूज़ करते हैं. और इसमें क्यों करते हैं, इसका ओवरऑल मीनिंग क्या होगा वो आप देखिए. कि ओवरऑल मीनिंग हम लोग कहेंगे कि टू बी कंफर्टेबल विद समथिंग, कि किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना. तो टू बी कंफर्टेबल विद समथिंग, ये अपने पास इसका मीनिंग हो जाएगा. और मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस में यूज़ आपको बता दे रहा हूँ, 2-3 सेंटेंस आपको लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा. जैसे हम लोग क्या कहेंगे, पहला एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि वी आर यूज टू, कि हम लोगों को आदत है, हम कंफर्टेबल हैं, वी आर यूज टू वॉचिंग एड्स ऑन यूट्यूब. कई बार देखो आजकल ये आ रहा है कि यूट्यूब की तरफ से फ्री वो होता है कि आप फ्री देखिए, बिना एड के आप यूट्यूब देखिए. लेकिन हम लोग क्या है, वी आर यूज टू वॉचिंग एड्स ऑन यूट्यूब. तो हम लोगों को इतनी आदत नहीं है एड्स ऑन यूट्यूब, क्योंकि TV के ऊपर जो एड आया करते थे आधे आधे घंटे के, उस हिसाब से यूट्यूब के 2 एड कुछ भी नहीं है. तो अपने पास पॉइंट यहाँ पे देखो आपको क्या याद रखना है कि आर आ गया, यूज टू आ गया, और फिर हम लोगों ने वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया, ING फॉर्म का यूज़ किया, है ना. और आगे मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, है ना. तो आगे हम लोग लिखेंगे देवर यूज टू. देखो देवर यूज टू, उन लोगों को आदत थी, देवर यूज टू वॉकिंग 10 किलोमीटर्स एट ए टाइम, कि उनको वो 10 किलोमीटर एक साथ चल सकते थे, 10 किलोमीटर्स एट ए टाइम, कि एक समय पर वो 10 किलोमीटर जा सकते थे. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उनको वो कंफर्टेबल है, 10 घंटे लगातार चलने में कंफर्टेबल है. अगर आप ये बोलते हो कि मेरे को 5 बजे उठने की आदत है सुबह, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई एम यूज टू गेटिंग अप एट 5 AM. तो मैं 5 बजे उठ सकता हूँ, तो गेटिंग अप एट 5 AM. तो ये होता है कि ये एक तरह से हैबिट है, मैं कंफर्टेबल हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ. और ये अपना हुआ यूज टू का यूज, बी यूज टू का यूज हुआ. तो मैंने आपको क्या बताया, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि अगर बी यूज टू आता है किसी सेंटेंस में, है ना, तो उसके बाद हम लोग ING फॉर्म का यूज करेंगे. ये आपको याद रखना है यहाँ पे. और आपको ये भी याद रखना है कि बी का जो मतलब होता है वो बी की जगह पे हम लोग क्या होगा, इज एम आर को बोलते हैं हम लोग. बी जो होता है
इज एम आर वाज वर अगर आए तो उसी को हम लोग बी बोलेंगे. तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है. और इसका सेंस क्या निकलेगा आपको वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसका जो सेंस होता है अपने पास बी यूज टू का वो होता है कि कंफर्टेबल होने का, है ना. कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं आ रही है. जैसे आई एम यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, कि मान लो कि कोई फॉरेन में रहता है और अपने यहाँ जो राइट साइड ड्राइविंग होती है बाहर वो होती है अपने पास लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है. आई एम यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट. तो ये अपना इसका मतलब हो जाएगा. अब हम लोग चलते हैं इसमें दूसरे कंसेप्ट पे. एक मैंने आपको पढ़ा दिया, एक कंसेप्ट मैं आपको और पढ़ाता हूँ यहाँ पे. और वो देखिए क्या होगा कि अकेला यूज टू अगर आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे. तो यहाँ पे देखिए अकेला यूज टू अगर आता है तो हम इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. और इसका यूज क्यों होता है अपने पास, तो देखो इसका यूज होता है टू टॉक अबाउट ए हैबिट इन द पास्ट, कि एक हैबिट के बारे में बात करने के लिए टू टॉक अबाउट ए हैबिट इन द पास्ट. तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे. तो इस तरह से क्या होगा कि मैं ये काम किया करता था, तो वो अगर अपने को बताना हो तो हम लोग ये यूज़ करेंगे. और आपको याद क्या रखना है, यूज़ टू के बाद हम लोग वी वन का यूज़ करते हैं. और यूज़ टू को यहाँ पे जो टेक्निकल लैंग्वेज होगी ग्रामर की उसमें हम लोग कहेंगे कि एक सेमी मॉडल होता है. तो ये सेमी मॉडल होता है अपने पास. देखो इसमें क्या होगा, मैं सेंटेंस में यूज़ आपको बता देता हूँ, है ना. वो अगर होगा कि जैसे हम लोग संडे को क्रिकेट खेला करते थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज ना. तो वी यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज. तो देखो ये गाइज अपने पास यहाँ पे आंसर हुआ, वी यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज. तो ये अपना यूज हुआ, वी यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज. अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं, और एग्जांपल हम लोग देखते हैं. विजिट द टेम्पल एवरी ट्यूजडे, कि हम लोग मंदिर जाते थे हर एक उसमें एवरी ट्यूजडे. तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया. एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ यूज टू का. तो इसमें देखो होगा कि रवि यूज टू स्मोक बिफोर ही गॉट अ डिजीज, को बीमार होने से पहले ही यूज टू स्मोक. तो उसको स्मोक करने की हैबिट थी. तो देखो यहाँ पे अपने को जो यूज टू है इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, दो बातें सीखी कि यूज टू के बाद एक तो वी वन आता है, और ये हम लोग कैसे यूज करते हैं, सेमी मॉडल है. और किस क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं, वो यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं टू टॉक अबाउट ए हैबिट इन द पास्ट, कि एक आदत जो थी आप पास्ट में जो काम किया करते थे. अब देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन और करेंगे इसमें. वो एडिशन क्या होगा, अगर आप ये पॉइंट अगर आप याद करना चाहते हो तो ये हो जाएगा कि यूज़ टू इक्वल टू वुड भी होता है. कि वुड का जो सेंस होता है अपने पास जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, रिपीटेड बिहेवियर की बात करते हैं, तो हम लोग वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो ये वुड का यूज़ है यूज टू के जैसे भी हो सकता है. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया. तो मैं आगे आपको अभी जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उसके अलावा पॉइंट थ्री और पॉइंट फोर था, तो वो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ. तो देखो अपने पास मैंने आपको बताया था कि गेट यूज टू के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि ING फॉर्म का यूज़ करेंगे इसके बाद ना. तो ये आपको याद रखना है, ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है. अब अपने पास जो चौथा यूज़ था, इस तरह गेट के अलावा अगर बिकम यूज टू आता है तो भी हम लोग ING फॉर्म का यूज़ करेंगे, बिकम यूज टू. जैसे हम मान लो कि कोई कंपनी ज्वाइन करता है और पहले उसको आदत थी 10 घंटे की, लेकिन नई कंपनी में क्या है 20 घंटे काम करवा रहे हैं या 15 घंटे काम करवा रहे हैं, 20 तो ज़्यादा हो जाएगा. तो ही गोट यूज टू. तो हम लोग सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे इसका, सून ही गोट यूज टू, कि जल्द ही उसको आदत होगी. ही गोट यूज टू वर्किंग 15 आवर्स ए डे. तो यहाँ पे देखो अपने पास जो पॉइंट था कि गेट यूज टू के बाद हम लोग वर्ब है उसको ING फॉर्म में लिखेंगे, गेट यूज टू वर्किंग फॉर 15 आवर्स ए डे, कि वो 15 घंटे काम करने के लिए, तो 15 आवर्स ए डे. इस तरह से हम लोग ये अपना ये जो बात है वो पूरी कर देंगे 15 आवर्स ए डे. अब जो चौथा यूज़ था वो बता के मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, और अपना ये जो चैप्टर है यहाँ पे ये जो सेशन था ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ना. चौथा क्या होगा, यूज़ अगर मैन वर्ब हो, ऊपर हम लोगों ने देखा कि ये मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मैन वर्ब हो तो अपने पास क्या होगा, तो फिर वी वन ही आएगा उसके बाद ना. कैसे आएगा, एक एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे, दीज फंड्स, कि ये जो फंड्स हैं विल बी यूज्ड, दीज फंड्स विल बी यूज्ड, कि इनका इस्तेमाल किया जाएगा टू पे बिल्स, कि बिल को पे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा. तो यहाँ पे देखो ये अपना हुआ. इसके बाद हम लोगों ने देखा यूज़, यहाँ पे यूज़ हुआ इस्तेमाल करने के लिए ना, कि इस चीज़ का यूज़ होगा वहाँ पे, इस्तेमाल होगा. आदत या फिर एक हैबिट भी नहीं है, और एक वो कम्फर्ट सेंस में भी नहीं हुआ है यहाँ पे. इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, टू प्लस वी वन का यूज़ किया.
तो अब मैं आपको आखिर में जो चारों जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं यूज टू से रिलेटेड, वो आपको मैं बता देता हूँ। और वो देखो क्या होंगे, आपको क्या याद रखना है, अल्टीमेट अपनी क्लास की जो समरी होगी अभी के सेशन की, वो ये होगी कि यूज टू के यूज़ चार तरीके से होते हैं। पहला होता है कि बी यूज टू अगर सेंटेंस में आए, है ना, बी यूज टू अगर आए तो उसके बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। अकेला यूज टू अगर आता है तो हम लोग उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, वी वन का यूज़ करेंगे उसके बाद। और अगर अपने पास गेट यूज टू या बिकम यूज टू आता है तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, गेट यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। और चौथा जो अपना यूज़ होगा वो इस प्रकार होगा कि अगर यूज़ अगर मैन वर्ब हो उसमें तो वहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग केवल वी वन का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बी वर्ब मैंने आपको बताया था क्या होगी, इज एम आर और या वाज वर्ब का यूज़ हम लोग करेंगे। तो ये अपने पास हो जाएगा इज एम आर या फिर वाज वर्ब होता है। और लास्ट में कंक्लूड करने के लिए छोटा सा रिवीजन और आप कर लो कि हम लोग टू प्लस वी वन का यूज़ क्यों करते हैं, हैबिट बताने के लिए ना, पास्ट की हैबिट, हैबिट ऑफ पास्ट, कि पास्ट में आप कोई काम किया करते थे। जैसे मान लो कि आज आप तैयारी कर रहे हो, इतना नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन आप 10th और 12th के बोर्ड को आप याद करते हो, तो आप ये कहोगे कि आई यूज़ टू स्टडी फॉर 10 आवर्स अ डे या 12 आवर्स अ डे इन माय बोर्ड एग्जाम्स, तो वहाँ पे वो पास्ट आ जाएगा। और ये अपन क्यों करते हैं, इसका जो यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, कम्फर्ट शो करने के लिए ना। तो ये अपन यूज़ करेंगे कम्फर्ट शो करने के लिए। और तीसरा हो जाएगा ये जो यूज़ होता है गेट यूज टू, ये इसका मीनिंग फर्स्ट वाले के जैसा ही होता है, बस इसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है। तो गाइस ये अपना हुआ पहला सेशन, यहाँ पे ख़त्म होता है और आप लोगों ने ज्वाइन किया और यूज़ टू के जो यूज़ है वो सारे देखे। आप एग्ज़ाम में अगर अच्छे से इस कंसेप्ट को देखते हो, समझते हो और रिवाइज़ करके जाते हो तो कोई गलती आप नहीं करोगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बी टू स्टडीज़। प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।